सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज संडे और मैं अभी दोबारा जिम जा रहा हूँ। दोबारा मतलब कि मैं एक बार गया था बाइक में, बारिश हो गई, रास्ते में पूरा भीग गया, फिर से वापस आया और अभी चेंज करके जा रहा हूँ। क्या करे, ऐसा वेदर कभी कुछ बोल नहीं सकते क्या होता है बीच बीच में। कब तक ऐसा बारिश चलता रहेगा पता नहीं यार, देखते हैं आगे कितना, आगे कैसा कुछ होता है। बाकी चिड़चिड़ सा लग रहा है, इरिटेटिंग लग रहा था थोड़ी देर पहले, तो सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आप लोगों के साथ कि क्या कुछ करना पड़ता है आजकल। वैसे एक बात बोलनी थी कि ये जो वीक था मेरा, इट वॉजेंट ए प्रोडक्टफुल वीक एट ऑल, क्योंकि दो तीन ठो फंक्शन रह गए थे जो कि आई हैड टू अटेंड। इधर उधर का थोड़ा खाना पीना हो गया था, ऑल्दो वर्कआउट मैंने मिस नहीं किया एक भी, पर डाइट यू नो एज यू ऑल नो प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ स्टाइल। सो आई एम नॉट दैट मच हाइप्ड अबाउट माई वेट लॉस, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा हुआ नहीं होगा, अगर हुआ भी नहीं होगा तो सेम भी रहेगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो देखते हैं। वैसे भी कल मंडे को वेइंग डे है, सो आई एम होपफुल कि देखते हैं कितना कुछ होता है, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीक ज़्यादा तगड़ा या फिर ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करूँगा वही गेज करके। और आई प्रोमिस आई विल बी मोर स्ट्रिक्टर दिस टाइम। वैसे भी और कुछ फंक्शन है नहीं अभी आगे को। सो दिस इज द रेन गाइस अगेन, दिस रेन इज किलिंग मी फ्रॉम इनसाइड, ट्रस्ट मी। इतना बारिश, आगे एक ट्रक है बाय द वे, वो भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो हेलो गाइस वेलकम बैक। अभी मैं कुछ अलग टाइप के सप्लीमेंट्स, मतलब अलग ब्रांड के सप्लीमेंट्स ऑर्डर किया था मैंने, सो दीज आर हियर। वन इज प्री वर्कआउट, आई थिंक इसमें होगा वो प्री वर्कआउट। इस बार मैंने ग्रिजली न्यूट्रिशन से मंगाया है, अलग टाइप का ट्राई करना चाहता था। सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड, ओपन इट फ्रॉम हियर। दिस इज द प्री वर्कआउट ट्रू लीजेंट। ये फ्लेवर मैंने कौन सा मंगवाया था मैं भूल गया हूँ। वॉट वॉज द फ्लेवर? ये दिस वन इज कैरेबियन फ्रेश लाइम। मुझे आप लोगों को पता ही होगा मुझको थोड़ा बहुत खट्टा फ्लेवर पसंद होता है, सो दिस इज माय नेक्स्ट प्री वर्कआउट। इसका रिव्यू भी मैं सून दूंगा, मोस्टली आफ्टर दिस वीक ऑफ यूज़, वन वीक ऑफ यूज़ के बाद मैं इसका रिव्यू दूंगा, किसी भी ब्लॉग में, शायद अपने ही किसी ब्लॉग में दे दूंगा। और सो इसीलिए डू चेक माय ब्लॉग्स, कुछ ज़्यादा ही कंटेंट रहते हैं शायद। बाय द वे इसके अंदर ये कुछ एक मिला है, क्या है? फोकस इंटेंसिटी एनर्जी बूस्टर, एनर्जी प्लस प्री वर्कआउट बूस्टर, 150 mg कैफेन पर फुल स्कूप। व्हाट इज दिस स्कूप इनसाइड? शायद ये एक प्री वर्कआउट है, इफ यू कैन सी। काफ़ी कुछ वेरीफाइड होकर आया है, वेरीफाई राइट बोल के यहाँ पर सब कुछ है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या नहीं, और उसका रिजल्ट सब, और वेरीफाई राइट, मोस्टली न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर है, तो इसमें से वो सब फाइंडिंग रिजल्ट सब आया है, और जो भी सब हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो सब नॉट डिटेक्टेबल में है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी बट दिस इज इट, वेरीफाई राइट, उसके अंदर ही आ रहा है, तो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, सबको करना चाहिए। उसके साथ अनदर प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया था, दिस इज द प्रोडक्ट
जिंक ग्लाइसिनेट मोस्टली इम्यूनिटी और वाइटलिटी को हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, वुंड हीलिंग, ये सब में हेल्प करता है जिंक। सो एक जिंक का सप्लीमेंट मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ, दिस वन उसी ग्रिजली न्यूट्रिशन से ही। ये एक प्रोडक्ट है और दिस वन इज़ अनदर प्रोडक्ट। सो दिस टू आई विल बी यूजिंग और विल बी गिविंग माई इम्प्रेशन और रिव्यू और यूसेज, 1 week के यूसेज के बाद मैं इसका इम्प्रेशन वगैरह दूंगा। सो आई विल बी यूजिंग इट टू नाइट, आज मंडे है एंड टुडे विल बी माई लेग डे। सो दिस इज व्हाट्स इनसाइड दिस। सर्विंग साइज 30 grams, 1 scoop इज 15 grams। सो दिस इज 1 scoop और इसके साथ है ये, इसके अंदर एक स्कूप है, दिस इज द स्कूप। पर स्कूप हैज 150 milligrams ऑफ कैफीन। आई बी टेकिंग 1 scoop। और इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी 425 milligrams कैफीन है 30 grams में। आई टुक 15 grams, सो हाफ ऑफ इट 212 ऑलमोस्ट ग्राम्स ऑफ कैफीन फ्रॉम दिस प्री वर्कआउट। और इसमें है 1 scoop में 150 milligrams ऑफ प्री वर्कआउट। अच्छे से मिक्स तो हो जा रहा है। ठीक ही टेस्ट है, देखते हैं काम कैसा करता है। सो आई एम बैक गाइस, वर्कआउट खत्म करके घर पहुंच के फ्रेश हो चुका हूं। बट सोचा कि ये जो प्री वर्कआउट जो मैंने आज ट्राई किया उसके बारे में कुछ फर्स्ट इंप्रेशन कुछ दे दूं। दिस इज द प्री वर्कआउट, ट्रू लीजेंड, ओलंपियन स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल ग्रेड प्री इंट्रा वर्कआउट। कुछ कुछ बातें करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर 7 grams ऑफ सिट्रुलिन है, 4 grams बीटा एलिनिन एंड 4 grams बीटेन और 7 grams EAAs है, विच इज़ ए गुड थिंग। मुझे तो अच्छा लगा, इट गेव मी मेंटल फोकस, जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही रेप्स कर पाया। एंड थोड़ा ज़्यादा कैफीन हो गया, मतलब मैंने जो वो एक्स्ट्रा कैफीन वाला प्रोडक्ट जो ऐड किया था उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब आई हैव टू रिड्यूस इट ए लिटिल बिट, बस क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पल्पिटेशन होता है अगर कैफीन ओवरडोज होता है तो। बस थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसको थोड़ा कम कर देने से इट विल बी ए परफेक्ट ब्लेंड। और फ्लेवर वाइज इट वॉज ओके, आई गिव 6-7 out of 10। और बाकी मिक्सेबिलिटी एंड एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। बहुत कम प्राइस में यू गेट अ लॉट ऑफ परफेक्ट गुड मिक्सचर ऑफ प्री वर्कआउट। ऑल्सो यू हैव कोड्स एंड एवरीथिंग हियर, यू हैव कोड्स एंड एवरीथिंग, यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट अबाउट दिस प्रोडक्ट विच इफ इट्स ऑथेंटिक और नॉट। यहाँ स्क्रैच करके यू कैन चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आई विल बी गिविंग अ लॉन्ग टर्म रिव्यू आफ्टर 7 to 10 days। अभी भी फिलहाल आई हैव टू टेस्ट इट फॉर मोर एंडोरेंस एंड वगैरह वगैरह वर्कआउट्स एंड एवरीथिंग। आफ्टर दैट ओनली आई विल बी एबल टू यू नो बोल पाऊँगा कि मैं रिकमेंड करूँगा कि नहीं। सो फॉर नाउ इट्स गुड, फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड, लेट्स सी हाउ दिस लास्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू गिव अ थम्स अप इफ यू डू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पीस आउट।